हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ हॉलीडे होम प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं जहां पे इंडियन आर्मी के सर्विंग सोल्जर और रिटायर्ड सोल्जर दोनों के लिए ही रूम्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं टोटल 24 हॉलीडे होम प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे इंडियन आर्मी के सर्विंग सोल्जर और रिटायर्ड सोल्जर दोनों ही अपने डिपेंडेंट के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उन हॉलीडे होम्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मसूरी के बारे में। फ्रेंड्स, मसूरी में ऑफिसर्स के लिए 10 रूम है, जेसीओ के लिए 4 और ओआर के लिए 4 रूम है। अगर आप ये हॉलीडे होम बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इंडियन आर्मी के नए लॉन्च किए गए अरमान एप्लीकेशन से भी आप यहाँ पे हॉलीडे होम बुक कर सकते हैं। नंबर 2 पे है आगरा। आगरा में ऑफिसर के लिए कोई भी रूम नहीं है, जेसीओ के लिए 4 और अदर रैंक्स के लिए 12 रूम अवेलेबल है। नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके अपने लिए हॉलीडे होम बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे है जयपुर, जहाँ पे ऑफिसर के लिए 36 रूम्स अवेलेबल है, जेसीओ के लिए 14 और अदर रैंक्स के लिए भी 14 रूम्स है। नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल करके अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। नंबर 4 पे है दार्जिलिंग, जहाँ पे ऑफिसर्स के लिए 7, जेसीयू के लिए 2 और अदर रैंक्स के लिए 6 रूम्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स, नंबर 5 पे बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल में ऑफिसर्स के लिए 40 रूम है, जेसीयू के लिए 7 रूम है और अदर रैंक्स के लिए 10 रूम है। नंबर 6 है ले। ले में केवल ऑफिसर्स के लिए 7 रूम अवेलेबल है, जेसीयू और अदर रैंक्स के लिए वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है। नंबर 7 माउंट आबू, जहाँ पे ऑफिसर के लिए 4 रूम्स है, जेसीओ के लिए 11 रूम और अदर रैंक्स के लिए भी 11 रूम्स है। नंबर 8 कसौली। कसौली में ऑफिसर्स के लिए 15 रूम्स अवेलेबल है, यहाँ पे जेसीओ और अदर रैंक के लिए कोई भी हॉलीडे होम्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 9 मनाली। मनाली में ऑफिसर्स के लिए 9, जेसीओ के लिए 12 और अदर रैंक्स के लिए 30 रूम्स अवेलेबल है। नंबर 10 पणजी गोवा, जहाँ पे केवल और केवल ऑफिसर्स के लिए 7 रूम अवेलेबल है, जेसीओ और अदर रैंक के लिए यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, नंबर 11 पुरी। पुरी में ऑफिसर्स के लिए 8, जेसीओ के लिए 4 और अदर रैंक्स के लिए 8 रूम्स अवेलेबल है। नंबर 12 रानीखेत। रानीखेत में ऑफिसर्स के लिए 7, जेसीओ के लिए 5 जबकि अदर रैंक्स के लिए यहां पर कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 13 शिलोंग। शिलोंग में 12 रूम्स ऑफिसर के लिए, जेसीओ के लिए 3 और अदर रैंक के लिए 11 रूम अवेलेबल है। नंबर 14 पे है शिमला, जहाँ पे ऑफिसर्स के लिए 4 रूम अवेलेबल है, जेसीओ और अदर रैंक्स के लिए यहाँ पे कोई रूम नहीं है। नंबर 15 श्रीनगर। श्रीनगर में ऑफिसर्स के लिए 12 रूम अवेलेबल है, जेसीओ और अदर रैंक के लिए यहाँ पर भी कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 16 ऊटी। ऊटी में टोटल 19 रूम्स अवेलेबल है जो कि ऑफिसर्स के लिए हैं, जेसीओ और अदर रैंक के लिए यहाँ पर भी कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 17 अमृतसर। अमृतसर में ऑफिसर्स के लिए 4 और जेसीओ के लिए 6 रूम्स है जबकि अदर रैंक्स के लिए यहाँ पर भी कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 18 बाम्बोलिम। बाम्बोलिम में ऑफिसर्स के लिए 7 रूम्स अवेलेबल है, जेसीओ और अदर रैंक्स के लिए यहाँ पर कोई रूम नहीं है। नंबर 19 कौसानी। कौसानी में ऑफिसर्स के लिए 10 और जेसीओ के लिए 4 जबकि अदर रैंक के लिए यहाँ पर भी कोई रूम्स नहीं है। नंबर 20 कलकत्ता, जहाँ पे ऑफिसर्स के लिए 4 हॉलीडे होम्स रूम्स अवेलेबल है जबकि जेसीओ और अदर रैंक्स के लिए कलकत्ता में कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 21 पलानी, जहाँ पे ऑफिसर्स के लिए 4 रूम्स है, जेसीओ और अदर रैंक के लिए यहाँ पर भी कोई रूम्स नहीं है। नंबर 22 ऋषिकेश। ऋषिकेश में ऑफिसर्स के लिए 1 जबकि जेसीओ के लिए 2 रूम्स है और ओआर के लिए यहाँ पर कोई रूम्स नहीं है। नंबर 23 है शिरडी। शिरडी में साई बाबा का फेमस मंदिर है, यहाँ पर ऑफिसर्स के लिए 3 रूम्स, जेसीओ के लिए 3 रूम्स और अदर रैंक्स के लिए भी यहाँ पे 2 रूम्स अवेलेबल है। नंबर 24 तिरुपति, यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए 18, जेसीओ के लिए 10 जबकि अदर रैंक्स के लिए कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो ये थे वो 24 हॉलीडे होम्स जहाँ पे इंडियन आर्मी के सर्विंग सोल्जर और रिटायर्ड सोल्जर अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर हॉलीडे होम्स हिल स्टेशन एरिया में स्थित है जबकि बाकी सभी हॉलीडे होम्स बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्थानों पे स्थित है। इन हॉलीडे होम्स की बुकिंग आप इंडियन आर्मी के नए लॉन्च किए गए एंड्रॉयड एप्लीकेशन अरमान से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।